Welcome all. In this video we will discuss question number 7 and question number 8 of exercise 3.3. Question 7. The adjacent figure Hope is a parallelogram. Find the angle measures x, y and z. State the properties you use to find them. Right side में हमें एक parallelogram दिया गया है HOP Hope और उसमें हमें कुछ angles दिए गए हैं. We have to find here x, y and z. So let me start. सबसे पहले हम 70 डिग्री के एडजेसेंट एंगल को आइडेंटिफाई करते हैं जिसे एरो से दिखाया गया है. लेट वी नेम इट एंगल 1. नाउ वी आर वॉचिंग दिस एंगल 1 एंड 70 डिग्री आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स एंड वी नो दैट लीनियर पेयर के एंगल्स का सम 180 होता है. तो एंगल 1 प्लस 70 डिग्री हमारा 180 डिग्री होगा. सो एंगल 1 विल बी 110 डिग्री. नाउ बिकॉज होप इज अ पैरलोग्राम तो देखते हैं कि एंगल 1 के अपोजिट यहाँ पे कौन सा एंगल है. दैट इज एक्स हेयर. और हमें पता है पैरलोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो एक्स विल बी इक्वल टू एंगल 1 दैट इज 110 डिग्री. नाउ फोकस ऑन दीज टू लाइन ई एच एंड पी ओ. वी नो इन अ पैरलोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरल. अब आप इन एंगल्स पे फोकस करिए. सो फॉर दीज टू पैरेलल लाइन ई एच एंड पी ओ दीज टू एंगल्स दैट इज एंगल एच एंड 70 डिग्री दे आर मेकिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो हमारा एंगल एच 70 डिग्री के बराबर होगा. एच हमारा यहाँ पे क्या है, 40 डिग्री प्लस जेड एंड इक्वल्स टू 70 डिग्री. तो यहाँ से हमें जेड मिलेगा 30 डिग्री. Now we will focus on the triangle PHO. We know the angle sum property की triangle के तीनों angle का sum 180 degree होता है. So y plus z plus angle 1 180 degree होगा. We will put the value of angle 1 and angle z. And on solving we will get the value for y to be 40 degree. So we got angle x 110 degree, angle y 40 degree and angle z 30 degree. Question number 8. The following figures guns is a parallelogram. Find the value for x and y. इस फिगर में हमें एक पैरलोग्राम गन्स दिया गया है और हमें x और y निकालना है. तो वी आर वॉचिंग हेयर कि वी आर गिवन द मेजरमेंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ पैरलोग्राम. और हमें पता है कि पैरलोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चन. तो सबसे पहले देखते हैं अपोजिट साइड्स का पेयर. तो सबसे पहला पेयर है एस एन एंड जी यू. दूसरा पेयर है एस जी एंड एन यू. नाउ सबसे पहले हम लेते हैं एस जी एंड एन यू का पेयर. तो एस जी है 3x, एन यू है 18. इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6. दूसरा पेयर लेते हैं इक्वल साइड्स का. तो ये है आपका जी यू एंड एस एन. नाउ जी यू इज 3y माइनस 1 एंड एस एन है आपका 26. सॉल्व करने पे y की वैल्यू आ गई 9. तो वी गॉट x इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, y इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर. नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. वी आर गिवन अ पैरलोग्राम रन्स. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पैरलोग्राम के डायगनल्स की मेजरमेंट्स को मेंशन किया गया है. हम जानते हैं कि पैरलोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो सबसे पहला पेयर जो इक्वल होगा वो होगा ओ एस एंड ओ यू. तो सबसे पहले इसी को लेते हैं ओ एस एंड ओ यू. ओ एस की वैल्यू 20 है, ओ यू है y प्लस 7. हमने पुट किया तो y प्लस 7 इक्वल्स टू 20 आया. तो y की वैल्यू आ गई 13. नाउ लेट मी टेक द सेकेंड पेयर. दिस इज ओ आर एंड ओ एन. इक्वल होगा, वैल्यूज पुट करी तो x प्लस y इक्वल टू 16 आया. y की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 13. तो उसको यहाँ पुट करेंगे. अपॉन सॉल्विंग वी विल गेट x इक्वल्स टू 3. सो हेंस x की वैल्यू आई 3 सेंटीमीटर, y की वैल्यू आई 13 सेंटीमीटर.